नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन रॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अपनी मैथ की जो सुपर 30 सीरीज चल रही है उसमें जो है साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं। और साधारण ब्याज में कल तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, आज हम 9वें क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। और हम धीरे धीरे जो है पहले सरल क्वेश्चन, उसके बाद उससे कठिन, फिर उससे कठिन, इसी तरह जो है क्वेश्चन को हम बताएंगे। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये परीक्षा के में पूछा गया पेपर है, यूबीपी में पूछा गया है। ठीक, तो अगर जो है आपको अच्छा लगे क्वेश्चन तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपका कि शिव ने निश्चित धनराशि 5% की वार्षिक दर से उधार दी है और 6 माह बाद उसने इतनी ही धनराशि 6% की वार्षिक दर से उधार दी है। निश्चित समय के बाद शिव को प्रत्येक भाग से 4600 रुपये प्राप्त हुए, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या थी। तो देखिए, अगर हमको दिया गया है क्वेश्चन में साधारण ब्याज, तब तो साधारण ब्याज लगाएंगे ही। अगर क्वेश्चन में साधारण ब्याज शब्द नहीं दिया गया है तब भी जो है हम साधारण ब्याज लगाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिव ने एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से उधार दी, मतलब कि पहली जो है 5% वार्षिक दर से उधार दी और 6 महीने बाद, मतलब कि 5% दर से उधार दी 6 महीने तक, 6 महीने के बाद जो है एक और राशि, इतनी ही राशि, जितनी राशि ये थी पहली वाली उतनी ही राशि जो है उधार देता है ये 6% पर। ठीक, तो कह रहा है कि निश्चित समय के बाद, तो मान लीजिए कि समय है टी, तो T1 हमारा कितना हो जाएगा, निश्चित समय के बाद, मतलब कि जैसे R2 है और R2 के निश्चित समय के बाद, तो 6 महीने हमारा, यानी कि T+6 6 महीने, ये हमारा T1 हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम करेंगे तो T2 बराबर ये हो जाएगा हमारा T1। तो जब इसको हम वर्ष में बदलेंगे तो T1 बराबर T+1/2 वर्ष, इतना हो जाएगा हमारा। T1 का मान ये आ जाएगा, T2 का मान ये आ जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे ना कि इसमें प्लस 6 महीने 6/2 वर्ष कैसे किया गया। भाई 6 महीने कह रहा है कि पहला देने के 6 महीने बाद दूसरा दिया गया, तो इसीलिए हम जो है 6 महीने मतलब 1/2 वर्ष, तो इसीलिए T1 जो है T+1/2 वर्ष किए हैं। और देखिए राशि हमारी समान है, अर्थात P1 बराबर P2 बराबर P। उसी तरह कह रहा है कि निश्चित समय के बाद शिव को प्रत्येक भाग से ₹4600 प्राप्त हुए, यानी कि A1 बराबर A2 बराबर 4600, ये चीज है हमारा। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आपको इसमें अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए, हम इसको एक बार फिर से समझाएंगे, और नहीं तो बैक करके देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये पता है कि A1 बराबर क्या है, A2 के है, A1 बराबर A2 के है और बराबर 4600 के है। तो चलिए सबसे पहले हम A1 बराबर A2 ले लेते हैं। तो A1 बराबर A2 जब करेंगे तो A1 हमारा क्या है, मूलधन है, क्योंकि हमको पता है कि मूलधन पर A, यानी कि क्या है हमारा A, मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस PRT/100। फिर इसी तरह अब ये यहाँ पे 1 है इसीलिए ये सब 1 हो जाएगा, इसके लिए हमारा P2 R2 T2 100। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए। तो चूंकि देखिए P1 बराबर P2 है, ठीक, P1 बराबर P2, देखिए लिखा है ना P1 बराबर P2 बराबर P, तो इसलिए हमारा ये खत्म हो जाएगा, अर्थात P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 हो जाएगा। कैसे हुआ आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्याज जो है हमारा समान बन रहा है। तो चलिए देखिए P1 कितना है हमारा, P1 है P × R1 कितना है 5
T1 कितना है? T प्लस 1 बटे 2 बटे 100 बराबर। P2 कितना है? P। R2 कितना है? 6। T2 कितना है? T बटे 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया, P से P कट गया, यही सॉल्व कर लेंगे। तो 5T प्लस 5 अपॉन 2 बराबर 6T। या फिर यहां से जब हम इस 5T को इधर लेके आएंगे तो T बराबर आ जाएगा हमारा 5/2 वर्ष। यानी कि T बराबर 5/2 वर्ष आ गया, तो हमारा T1 क्या हो जाएगा? T1 बराबर हमारा हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2 यानी कि 6 वर्ष। T1 हमारा कितना आ गया? 6 वर्ष आ गया। R1 हमको दिए हैं कितना? 5%। ठीक, P1 हमको निकालना है और A हमको दिए हैं कितना? A हमको दिए हैं 4600। ठीक, ये चीज है। तो अब देखिए इतना मान हमको दिया गया है, ठीक, इसको मिटा रहे हैं। तो यहां से देखिए इसके बाद इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। तो A बराबर P प्लस 4600 बराबर P1 का मान निकालना है। P1 इसमें भी है, P1 इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस R1, R1 का मान है 5, T1 का मान है हमारा कितना? 3 वर्ष बटे 100। फिर देखिए 4600 बराबर P1 1 प्लस 5 यानी 15/100, तो 115/100 हो जाएगा। तो 4600 बराबर P1 इंटू 115/100, या फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो P1 बराबर 4600 इंटू 100/115। 115 तो 40 आ गया, अर्थात P1 बराबर 40 और 2 0 यानी कि 4000 रुपए। यही आ गया हमारा आंसर। कहीं समस्या हो तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। तो आगे चलते हैं हम अपना। ये क्वेश्चन जो है यूपीपी का पेपर में, यूपीपी के में पूछा गया है, कुछ बच्चों ने पूछा था हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसीलिए जो है हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। अगर आपको भी साधारण ब्याज में किसी क्वेश्चन में समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, हम उसको जो है समझाकर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस करते हैं, 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है कि साधारण ब्याज की कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक, तो ये चीज है। तो सबसे पहले हम इसमें हमको PRT तीनों मान दिए हैं, तो इससे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे कि ब्याज क्या है। हमको ये कह रहा है कि SI1 बराबर SI2, ये हमको बताया है। इसमें कह रहा है कि उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना इसमें प्राप्त होता है, इसका मतलब ये हमारा बराबर है। जिसमें चलिए देखिए ब्याज कितना मिल रहा है, तो R2 T2 पहले देख लीजिए कितना, 4×5=20%। यानी कि हमारा SI बराबर हो जाएगा 6000 का 20%। तो 6000 × 20/100 5 12×5=60 आ गया हमारा 1200 रुपए ब्याज हमको मिल गया। 1200 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में, इसमें हमको क्या निकालना है, T1 निकालना है। ठीक, T1 हमको निकालना है। तो चलिए T1 निकालने के लिए क्या कहेंगे, SI1 बराबर SI2, ये हमारा SI2 था।
तो यस आई टू 1200 दिए हैं, यस आई वन क्या हो जाएगा पी वन आर वन टी वन अपॉन 100 बराबर 1200। तो पी वन कितना है 8000 इंटू आर वन कितना है 3, टी वन निकालना है बटे 100 बराबर 1200 है, इसको लिख लेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 3 चौक 12 400 आ गया, और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 8 का 8 8 5 40, तो टी वन बराबर आ गया हमारा 5 वर्ष, यही आ जाएगा आंसर, यही चीज हमको निकालना था। देख लीजिए, अगर कहीं समस्या हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो साधारण ब्याज की किसी दर से T1 बराबर 20 वर्ष, 20 वर्ष में क्या हो जाता है दुगना हो जाता है। तो दुगना का मतलब क्या है समझिए कि अगर पी रुपए हमारा मूलधन है तो पी रुपए इस पर ब्याज मिल गया तो टोटल कितना हो गया 2P, यानी कि मूलधन का 2 गुना हो गया। ठीक, तो ये चीज है, तो इसका मतलब कि हमको ब्याज कितना मिला है पी रुपए ब्याज मिला है, तो पी रुपए ब्याज कितने दिन में मिला हमको 20 वर्ष में मिला, कितना 20 वर्ष में पी रुपए हमको ब्याज मिला है, यानी चूंकि हमको पता है कि आर वन टी वन बराबर हमारा होता है ब्याज, आर वन टी वन का जो परसेंट होता है यही हमारा क्या होता है ब्याज होता है। तो देखिए पी का आर वन टी वन परसेंट यही ब्याज होता है, तो आर हमारा फिक्स है, जो पहले के लिए है वही दूसरे के लिए है, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा ब्याज कितना है पी है, और पी का आर वन टी वन यानी कि पी इंटू आर टी अपॉन 100, तो पी से पी कट जाएगा, आर टी बराबर क्या आ जाएगा 100, तो आर आर का मान हमको निकालना है, टी का मान कितना दिए है 20 बराबर 100, यानी कि आर वन बराबर 20 × 100 5%, दर हमारी 5% आ गई। कैसे आई समझ में आया, पी आर टी अपॉन 100 बराबर पी, ब्याज हमको पी मिला है, यानी ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। फिर देखिए कह रहा है कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुने का मतलब कब होगा 3 गुना, कि जब पी रुपए मूलधन हो और हमको ब्याज कितना मिल जाए 2P ब्याज मिल जाए, तो देखिए कितना हो जाएगा 3, तो 2 गुना ब्याज कितने दिन में मिलेगा। ठीक, 2 गुना ब्याज हमको कितने दिन में मिलेगा, तो हम देख रहे हैं कि 20 वर्ष में हमको ब्याज 1P मिल रहा है, तो 2P कितने दिन में मिलेगा, तो 20 × 2 यानी कि 40 वर्ष में हमको 2P मिलेगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे तो ये देख लेते हैं, पी आर टी अपॉन 100 बराबर ब्याज हमको कितना चाहिए 2P चाहिए, पी से पी कट जाएगा, आर आर का मान ये देखिए 5 निकाले हैं इंटू टी अपॉन 100 बराबर 2, तो यहां से ये T2 होगा, ठीक, जो कि दूसरा निकालना है हमको, तो T2 बराबर 5 × 5 20 × 600, तो T2 बराबर 40 वर्ष, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो ये चीज है, कहीं समस्या हो तो कमेंट करिएगा, एक बार बैक करके फिर से देख लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कितने वर्षों में क्वेश्चन नंबर 12 है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 20/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा, यानी कि पी हमको दिए हैं 2600 और आर हमको दिए हैं 20/3% और हमको पूछ रहा है समय, कितने समय में, कम से कम कितने समय में ये ब्याज जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा पूरा मिलेगा। तो हम बताए हैं कि आर टी का जो परसेंट है यही जो है ब्याज को निर्धारित करता है, पी का आर टी का परसेंट, तो पी का
यानी कि 2600 का आरटी यानी कि 20 बटे 3 इंटू टी परसेंट तो इंटू टी बटे 100 यही बराबर हो जाएगा किसके ब्याज के। तो देखिए अब हमको ये दो जीरो से तो दो जीरो कट गया ठीक, बचा क्या 26 इंटू 20 बटे 3। अब यहां कौन सी गिनती हम लिख दें, कम से कम छोटी से छोटी गिनती बताइए कि ये पूरा हमारा सही सही सॉल्व हो जाए, मतलब दशमलव में ना आए। तो हम देख रहे हैं यहाँ तीन है, अगर यहाँ तीन का गुणज रहेगा तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो तीन का गुणज देखिए, तीन का गुणज की मतलब ये है कि टी का मान अगर हम तीन रख दें तो हमारा सही हो जाएगा। तीन रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, तीन का गुणज, लेकिन चूंकि कम से कम कहा है तो कम से कम के लिए जो है टी बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष, यही आ जाएगा हमारा ठीक। तो ये चीज है, ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। आर बराबर दिए हैं हमको 12%, मूलधन हमको दिए हैं 3000 रुपए और यस आई हमको दिए हैं 1080 रुपए ठीक। तो हमको ये पूछा है कितने समय में इतना ब्याज हमको मिल जाएगा। तो हम बताए हैं कि पी का इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 यही बराबर होता है ब्याज के, किसके ब्याज के, यस आई के। तो पी कितना है 3000 इंटू आर कितना है 12 इंटू टी निकालना है बटे 100 यही बराबर है किसके 1080। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 12 नवैया 108 90 और 30 यही 90 यानी कि टी बराबर आ जाएगा हमारा 3 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा हमारा ठीक। तो ये चीज है, कहीं समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा और हाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो है हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी जो है थोड़ी मेहनत कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े देखें और समझें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए हो जाती है, 8 वर्ष में 2900 रुपए हो जाती है और 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है आज हमको निकालना है। तो देखिए हमको 100 रुपए ब्याज मिला, 100 रुपए ब्याज मिला कितने वर्ष में 2 वर्ष, तो अगर 2 वर्ष में 100 रुपए मिला है तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष में अगर 100 रुपए मिला है तो 1 वर्ष का एसआई हमारा क्या हो जाएगा 50 रुपए। अगर 1 वर्ष का 50 रुपए हो जाएगा तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा, 8 वर्ष का हो जाएगा 8×5=40 यानी कि 400 रुपए, 8 वर्ष का एसआई 400 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन हमारा क्या होगा बताइए, 8 वर्ष में 2900 रुपए हमको हो गया, तो अगर हम 2900 में से 400 घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि हमारा मूलधन कितना था, तो 2500 रुपए हमारा क्या था मूलधन था भाई, 2900 माइनस 400 2500 रुपए हमारा मूलधन हो गया। और दर हमको निकालना है, दर हमको निकालना है ठीक, और समय कितना है 8 वर्ष और 8 वर्ष में जो हमारा एस आई हुआ कितना हुआ 400 ठीक। तो चलिए यानी कि पी आर टी अपॉन 100 ये बराबर है किसके एस आई के। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी है हमारा 2500 इंटू आर निकालना है, टी है हमारा 8 बटे समय है हमारा 100 और ब्याज है हमारा 400 ठीक। तो ये चीज है सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 8×5=40 50 और 25 दूना 50 तो आर बराबर हमारा कितना आ गया 2% यही हो जाएगा हमारा आंसर ठीक। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर लगा है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष दिया गया है और 2 गुना हो जाएगा, यानी कि हमारा मिश्र धन हो जाएगा कितना, 2p। यानी कि अगर p रुपए है तो हमको p रुपए क्या मिल जाए, ब्याज मिल जाएगा, तो हमारा धन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि किस दर से 2 गुना होगा, मतलब कि p बराबर हमारा कितना होगा, p, और si बराबर भी हमारा क्या होगा, p। तो चूंकि हमको पता है कि si बराबर PRT/100, तो si हमको t मिल रहा है, तो p × r निकालना है, t हमको 8 × 100, तो p से p कट जाएगा, यानी कि r बराबर 100/8, r बराबर 100/8, तो r बराबर 12/96, यानी 12.5%, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये चीज है, आप एक बार बैठ करके देख लीजिए, ना समझ में आया हो तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन पर साधारण ब्याज ₹25 होगा। देखिएगा, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर ब्याज ₹25 होगा। तो देखिए, हमको आर दिए हैं 5%, ठीक, टी दिए हैं 3 महीने, 3 महीने का मतलब है कि 3/12, यानी कि 1/4 वर्ष, तो ब्याज यानी कि यस आई दिए हैं हमको ₹25। तो देखिए, हमने बताया कि आरटी परसेंट यही बराबर होता है किसके, एसआई के, तो आर कितना है 5 और इनटू टी कितना है, टी है हमारा 1/4, ये बराबर है किसके, ₹25 के, यानी कि 5/4% बराबर ₹25 के। तो यहां से अगर हम 100% निकालें तो 100% बराबर 25 × 4/5 और इनटू 100, तो 5×25 = 5×20, यानी कि ₹2000 यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक, तो कहीं अगर दिक्कत हो तो बताइए, और हमने बताया है कि ये आरटी वाला अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप हमारा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देखें, उसके बाद फिर ये तीसरा वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विश्वास ने कुल ₹30,000 उधार लिए, कितना, ₹30,000 उधार लिए, तो p बराबर हमारा ₹30,000, इसका एक भाग, इसको दो भाग में बांट दिया, एक भाग 12% ब्याज की दर पर और दूसरा भाग 10% ब्याज की दर पर, ठीक, तथा शेष भाग 10% पर वार्षिक एसआई पर लिया, यदि 2 वर्ष बाद, समय कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद कुल ₹3680 का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि क्या होगी। तो देखिए, 30,000 से 36,480, यानी कि ब्याज हमको कितना मिल गया, 6,480, और ये ब्याज किसका है, इसका और इसका दोनों जोड़ के, यानी कि यस आई वन और प्लस यस आई टू, ये बराबर कितने के हैं, 6,480 के। तो इसको अगर हम दो भाग में बांटे, अगर हम पहला भाग यक्स मान लें तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 30,000 - यक्स, ठीक, तो चलिए यस आई वन क्या हो जाएगा, PRT/100, तो 111 और प्लस PRT/100 222, ये बराबर कितना है, 6,480 के है। तो चलिए, P1 यानी कि यक्स इंटू आर यानी कि 12 × t 2/100 प्लस P2 30,000
माइनस एक्स, आर टू कितना 10 इंटू टी टू 2/100 बराबर 6480। 100 को उधर लेके चले जाएंगे तो 12 × 24 एक्स प्लस 10 × 20 30,000 माइनस एक्स बराबर 6480 20। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 24 एक्स प्लस 20 से गुणा कर देंगे तो 0 0 0 यानी कि 1 2 3 4 5 0। उसके बाद 3 × 2 = 6 और माइनस 20 करना 20 एक्स बराबर 6 4 8 1 2 3। ठीक, अब देखिए 24 एक्स में से 20 एक्स घटाएंगे 4 एक्स हो जाएगा, ये हमारा 6 4 8 1 2 3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 6 1 2 3 4 5। तो देखिए हमारा जो 4 एक्स हो जाएगा 4 एक्स ये बराबर हो जाएगा 48,000 के। यहां से एक्स निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000 रुपए, यानी कि पहली राशि हमारी 12,000 हो जाएगी और दूसरी राशि हमारी 18,000 हो जाएगी। पहली हमारी 12,000 और दूसरी हमारी 18,000। तो हमको क्या कह रहा था, कह रहा था कि 12% पर ली गई राशि कितनी है, तो 12% पर कितना लिया गया है 12,000 रुपए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, कहीं समस्या हो तो बताइएगा, इसको आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, क्वेश्चन नंबर 18। किस राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। देखिए किस राशि पर ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी कि यस आई बराबर पी अपान 4 को दिया गया है। ठीक, तो वार्षिक दर कितनी होगी, तो वार्षिक दर मतलब t बराबर हमको दिया है 1, तो r बराबर भी हमको कितना दिया है, r बराबर हम क्या, हमको r का मान क्या करना है निकालना है, तो r बराबर r। ठीक, तो देखिए क्योंकि पता है कि PRT/100 ये बराबर किसके है, ब्याज के है, और ब्याज हमारा क्या है t/4, इससे ये कट जाएगा, r into 1 बराबर 100/4, तो r बराबर 4 × 8 = 20, यानी कि R बराबर 25 के आ गया। रुकेगा, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी है। किस राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो जो हमारा R है ये हमारा T के बराबर है, तो इसको बराबर हम किसके मान ले, X के। तो यहां से सॉल्व करेंगे जब, तो R बराबर X, T बराबर X, ये बराबर हो जाएगा कितना 100/4 के, यानी X स्क्वायर बराबर 25 के, X बराबर 5। तो R निकालना है, तो R बराबर कितना आ गया 5%, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कितने समय में 1,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। तो देखिएगा 1,000 का पी बराबर 1,000 10,000 साधारण ब्याज 6% दर से कितना हो जाएगा 450 रुपए। तो हमने क्या कहा कि हमारा जो है आर दिया है 6%। ठीक, तो चूंकि पी आर टी अपान 100 ये बराबर होगा किसके 450 के, पी बराबर हमारा है 10,000 इंटू आर है 6 और इंटू टी समय कितना है टी निकालना है 100, ये बराबर होगा किसके 450 के। 2 0 से हमारा 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 × 10 5 × 9 = 45, 2 × 6 = 12, तो t बराबर 9/12 आ गया।
तीन त्रिक का नौ तीन चौक बारह, टी बराबर तीन बटे चार वर्ष। और या फिर इसको अगर हम महीने में बदलें तो तीन इंटू बारह बटे चार माह, ठीक। तो चार यही बारह, तीन त्रिक का नौ माह, यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो ये चीज है। आगे जो है अगला जो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 और 21, ये दो आपका होमवर्क है, आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। और इसको जो है आप लोग, ये आपका होमवर्क है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 और 21, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें आंसर कितना आ रहा है, ठीक। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें, तथा इसको अपने संबंधित दोस्त यार मित्र हर जगह इसको शेयर कीजिए, फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमारे साथ, ठीक। तथा हमारा चैनल देखें और उसे पसंद करें। धन्यवाद, नमस्कार।